पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दो दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर विभ्राट चंद कौशिक ने दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करके खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा गुब्बारा उड़ाकर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप महिला और पुरुष का प्रतियोगिता किया गया। इस प्रतियोगिता में 32 खेल खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उनका कहना है कि इस प्रतियोगिता में कुल 18 मंडल की टीमें आई हैं। लगभग पुरुष और महिला वर्ग में 600 खिलाड़ी भाग लिए हैं। इस अवसर पर विनोद सिंह, चंद्रविजय सिंह, एनडी सोलंकी, अच्युतानंद राय, मोहम्मद राशिद, रविंद्र सिंह, जवाहर प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, इसके अलावा बस्ती बताओ देवीपाटन मंडल है, ताली तो बजाइए आप लोग। दो बंच होंगे सर, उधर गोरखपुर आयोजित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। एक हमारे गोरखपुर के खिलाड़ी आए सब अगर आज गोरखपुर में इतिहास रचना चाहते हैं हमारी बेटियां आवाज आप तक पहुंच गई तो आप दौड़ के आए यहाँ नगर स्टैंड के फिनिशिंग पॉइंट पे। सोचता हूँ कौन है बेटी, बेटी सदा मेहमान होती है। दीपिका है ये घर की, घर की ये पैर बहुत ही बढ़िया भाई, पहले चक्र को पार करने के करीब है। ऐसे जारी रखें अपना काम और रफ्तार बढ़ाएं अपनी, वक्त से लड़कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इवेंट्स यहां हो रहे हैं। आज इसका उद्घाटन हुआ है अभी और इसमें करीब 32 इवेंट्स जो हैं वो संपादित होंगे और कल इसका समापन होगा। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको नकद पुरस्कार दिया जाएगा। तो 1000 रुपया फर्स्ट को है और 800 रुपया सेकंड को और 600 रुपया थर्ड को। इस प्रकार से नकद पुरस्कार की प्रतियोगिता है, ये अपने आप में एक इसी प्रतियोगिता की विशेष ग्रेस है कि जिसमें नकद पुरस्कार दिया जाता है, सीधे उनके जो
जो इनाम की धनराशि है उनके सीधे अकाउंट में जाती है। और ये दो दिन प्रतियोगिता चलेगी, इसमें सीनियर वर्ग में है तो बहुत अच्छे एथलीट्स आए हुए हैं, पूरे 18 मंडल की टीम, लगभग करीब 600 खिलाड़ी पुरुष और महिला वर्ग में यहाँ आए हैं और ये दो दिन तक अपने इस खेलों में अपने इवेंट्स का कौशल दिखाएंगे और जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो मेडल लेंगे और उनको प्राइज मिलेगा। खेल विभाग द्वारा इन सभी को प्राइज देकर सम्मानित किया जाएगा। सर कल का समापन कैसे? कल समापन 2 बजे है, जो बच्चे मेडल लिए हैं उनको डमी चेक के द्वारा उनको सम्मान कराया जाएगा, बाकी जो है उनकी धनराशि है वो सीधे उनके अकाउंट में भेजी जाती है।